श्रवण तब सफल होता है जब भजन होता है। जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन हम इसलिए करते हैं क्योंकि कीर्तन करने से हमारे आसपास की माया हमसे दूर होती है। कि आप जब भी कीर्तन शब्द का उल्टा करेंगे तो नर्तकी शब्द बनता है, और नर्तकी कौन है? ये माया जो सबको नचाती रहे। तो बाकी बिहारी के हम सबको बाकी बिहारी का बनना है। एक बात याद रखना, जीवन में ऐसे कर्म करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हारे उन कामों से तुम्हें याद करे। अपने जीवन को ऐसा बनाओ। आप सोचो मरने के बाद कोई ऊपर आकाश के ऊपर कोई स्वर्गपुरी होगी, उसमें कोई दूध की नदी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो फ्लाइट से जाते हैं तो आकाश के ऊपर बादल है सिर्फ। इन चक्करों में मत पड़ो कि मर के जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। जीते जी स्वर्ग कमाओ, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। कब? जब आप अच्छे काम करोगे, कृष्ण की तरह गौ की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे। आपके घर में कोई मर जाता है तो आप सीधे स्वर्गवासी लिखा देते हैं। आपको कैसे पता कि वो स्वर्गवासी है कि नर्कवासी? आपको बताऊं कौन स्वर्ग गया कौन नर्क? सबसे बढ़िया पहचान, जब किसी की अंतिम यात्रा हो, सम्मिलित होना, देखना चार लोग क्या कह रहे हैं। अगर कोई कहे अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़े सुंदर कर्म थे, आपके जाने के पीछे व्यक्ति रोए तो समझ जाओ वो स्वर्ग गया है। और यदि आपके पीछे गालियां देवे तो कितनी भी माला करी हो, समझ लो नर्क ही गया हो। आप ऐसे कर्म करो, अपना ऐसा काम करो जीवन में कि आपके जाने के बाद भी लोग तुम्हें कृष्ण की तरह याद रखें, लोग तुम्हें गोपाल की तरह याद रखें। पर आजकल का इंसान इंसान नहीं रहा, जानवर बन गया है। अब मानव में मानवता नहीं रही है, चार प्रकार का जानवर इंसान बन गया है। सबसे पहला इंसान कुत्ता बन गया है। कुत्तों की एक फितरत होती है, उनके सामने रोटी का टुकड़ा डालो तो दो कुत्ते हों, एक के सामने डालो दूसरे के सामने भी डालो। पर जो कुत्ता होता है ना, अपना टुकड़ा छोड़ के दूसरे का छीनने दौड़ता है। ये समाज में लोग भी ऐसे हो गए हैं, दूसरे का हक छीनना चाह रहे हैं, सोच रहे मेरी एक भले फूट जाए पर दूसरे की दोनों फूटनी चाहिए। कोई ऊपर की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े, टांग खींचने में लगे हैं, बुराइयां करने में लगे हैं। बोलो कुत्ते की तरह नहीं तो और कुछ और है? इंसान वो कुत्ते की तरह है। दूसरा इंसान सुअर हो रहा है, सुअर विष्टा खा रहा है, कुछ भी सुअर खाता है। आज का मानव भी तो ऐसा है, कुछ भी खा रहा है, खाने में पीने में कुछ भी पी रहा है, ये सुअर ही तो है। तीसरा इंसान ऊंट हो गया है। ऊंट कैसे? ऊंट की गर्दन झुकती नहीं। आजकल का मानव भी ऐसा है, इतना अभिमान में, जहां भगवान ने थोड़ा पद प्रतिष्ठा पैसा दे दिया, इतना घमंड आता है कि इंसान की फिर गर्दन झुकती नहीं है। पर तो लगता है हम ही सब कुछ है। मैं आई ईगो, सतयुग में चार अक्षर का राक्षस था हिरण्याक्ष, त्रेता में तीन अक्षर का राक्षस था रावण, द्वापर में दो अक्षर का राक्षस था कंस, और कलयुग में एक अक्षर का राक्षस है आई मैं ईगो। जिसके अंदर मैं पन आ गया, मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, फिर वो राक्षसी ऊंट है, फिर वो व्यक्ति राक्षस है। चौथा इंसान गधा बन गया है, बस ढोता ही जाए, ढोता ही जाए, ढोता ही जाए। व्यक्ति मात्र का लक्ष्य केवल धनोपार्जन हो गया है। अरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप धन नहीं कमाओ, पर जीवन में धन के संग्रह के साथ साथ धर्म का संग्रह, धर्म का संचय भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। धर्म भी होना चाहिए, दान का संग्रह होना चाहिए, धर्म का संग्रह होना चाहिए, त्याग का संग्रह होना चाहिए। पर आदमी गधा बना फिर रहा है, ढोता ही जा रहा है। किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। कितना मोह पाल करके क्या करोगे? क्यों इतने मोह में चिपके हो? थोड़ा सा यही मोह बाकी बिहारी की ओर मोड़ो ना, सब कुछ सुधर जाएगा। एक बार नारद जी का एक शिष्य था, तो मानव बन गया। तो नारद जी ने कहा अपने शिष्य से, भैया कि मानव योनि में जन्म मिला है, अब सफल करो, इससे
जल्दी से भजन करके मेरे साथ चलो भगवान के धाम। बोला नहीं नहीं अभी तो बच्चे, शादी भई है, बच्चे हो जाए फिर चलेंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बोले आप चलोगे भगवान के यहाँ? बोले नहीं नहीं थोड़ा बच्चे बड़े हो जाए, नौकरी चाकरी लग जाए तब चलेंगे। नौकरी भी लग गई। नारद जी फिर आए, बोले अब चलोगे? बोले प्रभु जी थोड़ा शादी और हो जाए तब चलेंगे। अंत तो गत्वा क्या हुआ, वो मर गया और मरने के बाद अपने बच्चों के यहाँ बैल बना और वही बच्चे बैल बना करके उसे उससे हल चलवा रहे थे। नारद जी आए, अपने शिष्य का हाल देखा, अरे शिष्य तुम तो बैल बन गए। अरे क्या बताऊं गुरुजी, आप कह रहे थे चलो सही समय से चल देता तो आज बैल नहीं बनना पड़ता। नारद जी ने कहा अभी भी मौका है, चलो मेरे साथ। बोले चलता तो जरूर, पर दूसरे बैल आएंगे ना तो वो मेरे बेटे की सही से खेती बाड़ी नहीं करेंगे, इसलिए अभी रहने दो यहीं पे, बाद में आएंगे। तब भी नहीं गया। अगले जन्म में वो सांप बना और सांप बन के अपने बच्चों के धन की रक्षा कर रहा था। एक दिन बच्चों ने अलमारी में सांप देखा, उठाया डंडा, उन्हीं बच्चों ने बड़ी जोर से मार लगाई, उसका प्राणांत हो गया। नारद जी लौट कर आए, कहा देखा जिन परिवार के लिए, जिन लोगों के लिए तुम जीवन भर, इवन अपने दूसरा जन्म भी तुमने बर्बाद कर दिया, वो परिवारी जन तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? इसलिए भैया परिवार के रिश्तेदार, रिश्ते नाते सब निभाओ, पर उनमें अधिक अट्रैक्शन, उनमें अधिक मोह मत लगाओ। अधिक मोह सदैव तुम्हारी बुद्धि का विनाश करेगा।